नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं रश कुमारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के आखिरी दिन भी किसान बारदाने और टोकन नहीं मिलने से खासे परेशान होते रहे। बिलासपुर में तो बारदाने नहीं होने से धान खरीदी ही बंद कर दी। जिन किसानों को टोकन मिल चुका था वो धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंच चुके थे लेकिन बारदाना ही नहीं था। किसानों की माने तो आखिरी के 2 से 3 दिन जो बारदानों की कमी का बहाना बनाकर अघोषित तौर पर खरीदारी बंद की गई है। अगर यही करना था तो आखिरी तारीख को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी करने का कोई औचित्य ही नहीं था। 44 कृषक जिनका टोकन कट चुका है और जिनकी धान समिति में पहुंच चुकी है और टोकन कटने के पश्चात भी समिति के प्रबंधकों के द्वारा और इनके द्वारा जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था उसमें भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है, उससे सब किसान आंदोलित हैं और बहुत आक्रोशित। शैलेंद्र पाठक जो है ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बारदाना नहीं था तो जिम्मेदार अधिकारियों को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अमेरिका से फोन करते हैं, कवासी लखमा से बात करते हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनसे कहते हैं कि जितने लोगों का टोकन कट चुका है उनका तो धान खरीदना ही है। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना। निश्चित रूप से जो धान खरीदी में चूंकि सरकार की मंशा तो साफ है और वो ठीक ही है, लेकिन जो तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार को काम करना है या जिनसे काम लेना है जिनके माध्यम से, वो सरकारी मशीनरी जो है वो काम करने में सरकार की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जो किसान है उनको कभी टोकन नहीं मिल दिया जाता है, कभी बारदाना नहीं दे दिया जाता है। अब जब टोकन भी दे दिया, बारदाना धान भी उनको दे दिया और उनको सोसाइटी में धान भी उनसे मंगवा लिया, वो अब धान इसलिए वहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि बारदाना नहीं है सरकार के पास। समिति की यही लोग कर रहे हैं और इसमें व्यवस्था क्यों नहीं थी? शैलेंद्र, व्यवस्था करना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। अगर बारदाना नहीं था तो पहले से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है 15 साल के शासन काल में हमने इस तरह की अव्यवस्थाएं नहीं देखी हो। तब भी हमने देखी, तब भी बारदाने की कमी हमेशा होती थी। अधिकारी यही है तो क्या अभी तक इन 15 सालों में ये इन तमाम चीजों से सीख नहीं ले पाए? बिल्कुल ये स्थिति है, सीख तो ले पाए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको रोकना चाहूंगी शैलेंद्र। इस वक्त हमारे साथ धीरेंद्र दुबे अध्यक्ष किसान संघ के जुड़ गए हैं। दुबे साहब बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। दुबे जी, टोकन दे दिया गया, बारदाने का बहाना बना दिया गया और धान नहीं खरीदा गया, किस तरह से समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि अमेरिका से फोन करके कह रहे हैं कवासी लखमा जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनसे कि जितने लोगों का टोकन कट गया है उनसे तो धान खरीदना ही है, उसके बाद भी आप लोगों का धान नहीं खरीदा जा रहा, तो क्या कहना है आपका? देखिए, बारदाने की व्यवस्था को लेकर के सरकार जो है पहले से समुचित व्यवस्था की हुई है। जब धान खरीदी का लक्ष्य तय हो चुका था कि प्रत्येक किसानों का 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करना है, तो जब सारी चीजों का लक्ष्य तय हो चुका है तो सरकार को व्यवस्था भी उसी रूप में करना था कि प्रत्येक किसानों को 15 क्विंटल के हिसाब से उनको बारदाने की व्यवस्था समुचित कराना। और सरकार जो है इस विषय पर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और उनका जो टोटल जो धान खरीदी को विषय को लेकर के इस सीजन में किसानों को जितनी परेशानी हुई है और जितनी अफरा तफरी का माहौल आज है वो बहुत ही दुखद है। किसान दर दर भटक रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, क्या इस तरह का माहौल, इस तरह की अनियमितताएं, लापरवाही क्या पहली बार इतने सालों में हुई है? क्योंकि देखिए सरकार की मंशा तो साफ है, मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है, वो तो कह रहे हैं कि एक एक धान खरीदेंगे हम। अधिकारियों की तरफ से अगर जो गलती हो रही हो इसको लेके आप लोगों ने शिकायत की होगी, जाहिर सी बात है। जी जी मैडम, एक बार रिपीट करिएगा। मेरा सवाल ये था कि देखिए मुख्यमंत्री की तो जो मंशा है वो एकदम साफ है, वो तो कह रहे हैं कि एक एक धान किसानों को खरीदना है, हमने जो लक्ष्य रखा वो भी, क्योंकि लंबे वक्त से क्योंकि आप किसान नेता हैं तो आप भी जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यही अधिकारी हैं, क्या लगता है अधिकारी गोलमोल कर रहे हैं कुछ? देखिए, अधिकारी जो है प्रशासन तंत्र के अंग है और ये जो व्यवस्थाएं बनाना है प्रशासन में बैठे हुए लोगों की व्यवस्था बनाने की बात है। अधिकारियों को केवल अधिकारियों के ऊपर में दोषारोपण कर देना या उसी तरह नहीं होगा। यह व्यवस्था जो है प्रशासन में बैठे हुए प्रदेश सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है और प्रदेश सरकार को इस विषय पर गंभीरता से पालन करना चाहिए था, जिसपे वो जो है खरा नहीं उतरी है।
लोक लुभावन वादे कर देना बहुत अच्छी बात होती है, लोक लुभावन वादे करके सरकार में आ जाना और उसके बाद जो है कार्य को उस रूप में धीरे। तो आपका कहना मतलब ये कि लोक लुभावन वादे कर दिए गए लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है, तो क्या क्या वाकई में कोई जो जितने भी वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे उसमें से कोई किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी राज्य सरकार? नहीं नहीं मैंने देखिए आप मुझसे धान खरीदी के विषय पर बातचीत कर रही हैं। नहीं नहीं मैं सिर्फ किसानों के मुद्दे को लेकर ही सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ, धान खरीदी फिर जो भी किसानों का मुद्दा हो उसके रिगार्डिंग आपसे बात कर रही हूँ। जी जी देखिए अभी जिस हिसाब से कर्जा माफी की बातचीत की थी सरकार ने, कर्जा हाँ। माफी जो है वह भी जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया है। बोनस की बातचीत किए थे बोनस भी नहीं मिल पाया है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में हम आपका बोनस देंगे और क्योंकि आज आखिरी दिन है तो आप लोगों की अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है लेकिन जो समितियों में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी जिले में कुछ जगह पे ऐसा परिस्थिति आ गया है कि लोगों ने चक्का जाम भी करके रखा हुआ है धान खरीदी के विषय को लेकर के, और सरकार जो है इस जो परिस्थिति है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि स्थिति को स्पष्ट करे, किसानों के विषय पर गंभीर होना चाहिए सरकार को। नहीं लेकिन मैं आपने जिस तरह से कहा है कि सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए तो मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका के दौरे पर हैं और जिस तरह से किसानों ने सड़कों पर जिस तरह से संग्राम छेड़ दिया था, कहीं धान जला दी थी, कहीं जिस तरह से, और स्पेशली पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया था तो इस रिगार्डिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका से फोन किया था कवासी लखमा को और उनसे पूरी स्थिति का जायजा लिया और कहा कि जिन किसानों के टोकन जिनको दे गए हैं उनका एक एक धान खरीदा जाएगा। हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाई हो लेकिन मैं इस जानकारी को इसलिए आप तक पहुंचा रही हूं कि यहां पे मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता है वो एक बार फिर से देखने को मिली है। उनकी मंशा पर हम सवाल नहीं उठा सकते, हाँ कहीं जहां पे भी लापरवाही बढ़ती जा रही है हमें उस पहलू पर जरूर चर्चा करनी होगी और देखना होगा कि कैसे हम उन तमाम चीजों को ठीक करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुबे जी आप जुड़े बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। निश्चित रूप से जो कवासी लखमा से बात हुई है क्योंकि कवासी लखमा का ये विभाग ही नहीं है, अगर उनसे बात हुई है तो वो साहब शायद कैबिनेट के बाकी जो सदस्य है क्योंकि इस मामले में जो मंत्री जुड़े हैं वो मोहम्मद अकबर है और एक कृषि मंत्री है रवि सिंह है। अगर बात हुई है तो इनसे होनी चाहिए और सहकारिता मंत्री उनसे होनी चाहिए, जो काम है उनसे बात होनी चाहिए, ये तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल जो समिति के लोग हैं इनसे चर्चा होनी चाहिए, उनके द्वारा बातचीत रखनी चाहिए। अर्थ मंत्री है अमर जीत, उनसे चर्चा होनी चाहिए। अगर ये तमाम लोग जमीन में अगर अपनी बात देखें चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। शहडोल के ब्योहारी की